हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्राइसिटी प्रॉपर्टी गुरु। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त एंकर तरन्नुम, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो गाइज, आज मैं आपको लेकर आ गई हूं जिरकपुर, जहां पे हम मिलके विजिट करेंगे एक डुप्लेक्स स्काई विला। जिस प्रोजेक्ट पर मैं आपको लेकर आई हूँ उसका नाम है मिस्ड आर्केड। ये आपका लोकेटेड है इन जिरकपुर। आप मेरे पीछे हमारे आज के प्रोजेक्ट की ग्रैंड एंट्री देख ही सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे आपकी एंट्री को इन्होंने बना रखा है कि आप आएंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट मिलने वाला है, एक बहुत ही अच्छी वाइब आने वाली है गेट को ही देख के। ये आपका प्रोजेक्ट लोकेटेड है इन जिरकपुर एंड डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके पटियाला जिरकपुर हाईवे के साथ। एंड आपको यहाँ पे नियर बाय में बहुत सारे हॉटस्पॉट्स भी मिल जाएंगे, बिल्कुल मेजर वाले, लाइक आपका स्कूल्स हो गए, आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो गए, लाइक एंड आपके एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो गए, लाइक काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे नियर बाय में मिल जाएंगी। तो आइए अब चलते हैं अंदर एंड हमारे आज के प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट में एंट्री करेंगे, बट पहले मैं आपको बाहर का दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस, ये आपका जो एरिया है ये पूरा कमर्शियल आ जाएगा, इस साइड भी एंड इस साइड भी। लाइक आपको जो डेली नीड का सामान है वो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही मिल जाएगा। एंड प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ ही यहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट भी है, तो आपके जो छोटा छोटा सामान होता है या डेली नीड का जो भी चीज़ें होती है तो उसके लिए आपको गाड़ी नहीं निकालनी पड़ेगी, आपको ईजिली यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अंदर। प्रोजेक्ट की एंट्री में ही आपको मिल जाएंगे बूम बैरिगेड्स, लाइक आपकी सिक्योरिटी का भी यहाँ पे पूरा ध्यान रखा गया है। एंड जैसे ही आप आगे जाएंगे आपको यहाँ पे फ्रंट पे ही मिल जाता है एक बहुत ही बड़ा पार्क। तो आइए अब मैं आपको पार्क के अंदर लेके जाती हूँ। पहले गाइस, प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको मिल जाता है एक बहुत बड़ा पार्क, जहाँ पे आपको मिल जाएंगी बहुत सारी अमेनिटीज, लाइक किड्स के लिए यहाँ पे प्ले एरिया अलग बनाया हुआ है, आपके वॉकिंग के लिए यहाँ पे स्पेस है, आप वॉक कर सकते हैं यहाँ पे, एंड आपकी सिटिंग के लिए यहाँ पे स्पेसेस लगा रखे हैं, झूले लगा रखे हैं, लाइक काफ़ी अच्छा आपके लिए यहाँ पे स्पेस बनाया गया है कि आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट यहाँ पे इंजॉय कर सकें, यहाँ पे ग्रीनरी इंजॉय कर सकें आप। सो गाइज, आज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ एक डुप्लेक्स स्काई विला। इसमें जो आपका कंसेप्ट रहेगा वो सारा S+4 का कंसेप्ट रहेगा, स्टिल्ट में आपकी पार्किंग रहेगी। एंड एक जो अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपकी पार्किंग रहेगी एंड जो अच्छी चीज़ मैं बता रही थी, आपको यहाँ पे ना एक स्टोर भी मिल रहा है। लाइक बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो हम अपने घर पे नहीं लेके जा सकते, कुछ ऐसा सामान होता है जो हम रखना चाहते हैं फेंक भी नहीं सकते, लाइक पर वो किसी काम का नहीं होता, तो वैसा सामान आप यहाँ पे रख सकते हो। एंड आपका जो सप्लाई का गैस का जो सप्लाई होगा वो सिलेंडर आपका यहाँ स्टोर में रखा जाएगा, आप अपने फ्लैट पे अपने विला में सिलेंडर नहीं रख सकते, यहाँ से डायरेक्ट आपके फ्लैट में सप्लाई जाएगी, जो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी है, लाइक आपकी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये है। तो आइए हम चलते हैं ऊपर। अपने फ्लैट में एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे दो मीडियम यूज़ कर सकते हैं, एक है आपका स्टेयरकेस एंड एक है आपका लिफ्ट। तो अभी मैं आपको लिफ्ट से ऊपर लेके जाऊँगी, आइए। तो अब हम आ चुके हैं हमारे अपार्टमेंट के बाहर। कुछ ऐसा आपका लॉबी एरिया यहाँ पे रहने वाला है एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका मेन डोर। तो आइए चलते हैं अंदर, बट लेट मी वेलकम यू फर्स्ट। हे, वेलकम होम। सो जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ ये है हमारा आज का विला का ड्राइंग एरिया इन द साइज ऑफ 10.5 x 13.5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने 7 सीटर सोफा ऐड किया है,
लाइक सिक्स सीटर यहाँ पे हो जाता है एंड प्लस एक चेयर यहाँ पे आ जाती है एंड बीच में एक सेंटर टेबल भी आ जाता है. फिर भी लाइक मेरे लिए मूव करने के लिए इस साइड जाने के लिए लाइक काफ़ी स्पेस यहाँ पे बच जाता है. एंड सोफा के बिल्कुल सामने यहाँ पे आ जाता है आपका LED पैनल, जहाँ पे बैठ के लाइक यहाँ पे बैठ के आप सामने LED लगा होगा और एंड आप मूवीज इंजॉय कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, सीरियल इंजॉय कर सकते हो. अगर ये मेरा घर होता ना तो मैं मस्त यहाँ पे चिल बैठ के यहाँ पे बिग बॉस देख लेती हूँ, क्योंकि मैं तो बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन हूँ. लाइक ऑल ओवर आप एंटरटेनमेंट कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, आप अच्छी अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, अच्छी अच्छी मेमोरीज बना सकते हो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ. एंड उसके साथ यहाँ पे बैठ के आप बाहर का व्यू भी इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि गाइज इस बालकनी से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू यहाँ पे मिलने वाला है. आइए मैं आपको दिखाती हूँ. एंड देखो आपको यहाँ पे कितना बड़ा विंडो मिल रहा है, व्यू तो इंजॉय कर ही सकते हो, प्लस वेंटिलेशन के लिए भी आपको ये बहुत अच्छी चीज है आपके लिए. लाइक गाइज देखो कितनी स्पेस के साथ आपको यहाँ पे बालकनी मिल रही है. आराम से यहाँ पे एक टेबल, दो चेयर्स आराम से लग जाएंगी, तीन चेयर्स भी आ जाएंगी. लाइक आप आराम से यहाँ पे बैठ के, अभी आगे सर्दी आ रही है, लाइक आ ही चुकी है, आप धूप सेक सकते हो यहाँ पे बैठ के, अच्छी अच्छी मेमोरीज अपनी फैमिली के साथ बना सकते हो यहाँ पे भी. एंड एक बार आप यहाँ से व्यू देखो, ये तो अंदर की बात होगी ना, व्यू देखो एक बार, लाइक कितना सुंदर आपको यहाँ से पार्क का व्यू मिल रहा है. बिल्कुल नीचे पूरा जहाँ पे भी देखो ना, ग्रीन ग्रीन यहाँ पे मिल रहा है. एंड बिल्कुल सामने अगर आप देखोगे यहाँ पे लाइक लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, लाइक जिस तरीके से उन्होंने अपने घरों को डेकोरेट किया, प्लांटिंग वगैरह कर रखी है, आप उससे आइडिया लगा ही सकते हो. एंड गाइज इस घर, ये जो आपका ड्यूप्लेक्स विला है ना, इसका जो सेकेंड आपका जो फर्स्ट फ्लोर है, लाइक उसमें आपको इतना अच्छा यहाँ पे स्पेस दिया गया है ना, मैं आपको दिखाऊंगी, लाइक आप खुश हो जाओगे सीरियसली. आइए अंदर चलते हैं अब. तो ये था आपका ड्राइंग एरिया एंड उसके साथ अटैच बालकनी. ड्राइंग एरिया के बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा आपका डाइनिंग एरिया, जहाँ पे आप देखें इन्होंने एक गोल सा यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा रखा है. अगर आप चाहेंगे तो आप इससे बड़ा डाइनिंग टेबल भी यहाँ पे लगा सकते हैं, आराम से आ जाएगा क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. एंड अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो इसका साइज़ है आपका 15x11 का. एंड ऊपर आप फॉल सीलिंग देखेंगे, पूरा वुडन का यहाँ पे फॉल सीलिंग किया गया है. आप यहाँ से देखेंगे इस साइड भी आ जाता है आपका, एंड फर्दर आपके किचन के साथ भी कनेक्टेड है ऊपर पूरा सीलिंग आपका. एंड बीच में इसमें LED लाइट्स भी ऐड करी गई हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल ये चीज़ लग रही है यहाँ पे. एंड डाइनिंग एरिया के बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा आपका किचन. किचन में एंटर करने से पहले आप ये छोटा सा क्यूट सा पार्टीशन आप देखेंगे यहाँ पे, ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में किया गया है, एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा है एक, एंड बिल्कुल एक सेपरेट लग रहा है, लाइक डाइनिंग और किचन के बीच में एक सेपरेशन बिल्कुल अच्छा सा लग रहा है. एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका किचन, फुली मॉड्यूलर किचन यहाँ पे आपको मिलने वाला है. ऊपर आप कैबिनेट्स देख सकते हैं, आपके अपर कैबिनेट्स, आपके लोअर कैबिनेट्स विथ सॉफ्ट क्लोजर, डिफरेंट साइज के आपको यहाँ पे कैबिनेट्स मिल रहे हैं, लाइक ऊपर थोड़ा छोटा है, नीचे बड़ा है, तो लाइक आपके सारे बर्तन आराम से यहाँ पे आ जाएंगे. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जो आपके गैस का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल बाहर से दिया गया है, लाइक आपका जो सिलेंडर है वो आप बाहर रखोगे, अंदर आपका सिलेंडर जो है वो इंस्टॉल नहीं होगा. ये एक सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत अच्छी बात मुझे लगी. तो लाइक यहाँ पे आ जाता है आपका हॉब का स्पेस, जहाँ पे आप अपना हॉब लगा सकते हैं, यहाँ पे आप अपना चिमनी ऐड कर सकते हैं. एंड यहाँ अगर आप आएंगे यहाँ पे आ जाता है आपका वेट एरिया, जहाँ पे आपको डुल सिंक यहाँ पे मिल रहा है विद अ मूविंग फॉसेट. एंड ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे आपको गीजर का स्पेस भी मिल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट का स्पेस भी मिल रहा है, लाइक काफ़ी अच्छे से आपका जो पूरा किचन है उसको डिज़ाइन किया गया है. एंड यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे आ जाता है स्पेस जहाँ पे आप अपना रेफ्रिजरेटर लगा सकते हैं. तो गाइज ये था हमारा ड्राइंग डाइनिंग किचन, अब मैं आपको दिखा चुकी हूँ. अब मैं आपको लेके चलती हूँ रूम्स की तरफ. आपको यहाँ पे आपके नीचे वाले फ्लोर पे आपको मिल जाएंगे दो रूम्स अटैच वॉशरूम के साथ, एंड आपके अपर फ्लोर पे रहेंगे आपका वन रूम विद अटैच वॉशरूम. तो पहले हम नीचे वाले विजिट कर लेते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम. तो गाइज ये आ जाता है आपका मास्टर बेडरूम, काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ ही है यहाँ पे. अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ, इसका साइज़ है आपका 13.5x14. आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इन्होंने इसको डेकोरेट किया गया है. यहाँ पे आ जाएगा आपका बेड, काफ़ी बड़ा बेड यहाँ पे लगा हुआ है. एंड यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही क्यूट से साइड टेबल्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं. एंड आई हैव इनफ स्पेस
टू मूव हेयर. एंड यहाँ पे अगर आप पीछे देखेंगे, यहाँ पे मिरर से इन्होंने इसको डेकोरेट किया है विद अ ब्लैक थीम. बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है. लाइक आप लोग आइडियाज़ भी ले सकते हैं यहाँ से, जैसे जैसे मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ कि आप अपने घर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं एंड नई नई चीज़ें आप अपने घर में कैसे ऐड कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे बीच में आप चाहेंगे तो स्पेस को खाली भी रख सकते हो, ऐसे भी अच्छा लग रहा है. एंड अगर आप चाहेंगे तो आप यहाँ पे लाइक कोई पेंटिंग लगा सकते हो, कोई फैमिली पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हो. काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी जब आप यहाँ पे लगाओ. एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका अटैच वॉशरूम. आपके वॉशरूम में जितनी भी आपकी फिटिंग्स रहेंगी वो सारी जैगुआर की फिटिंग रहेंगी. आप टाइल्स देखें, यहाँ पे आपको वुडन का टाइल्स यहाँ पे मिल रहा है. एंड वॉल का भी आप देखो. एंड वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो भी मिल रहा है. लाइक काफ़ी अच्छा स्पेशियस वॉशरूम यहाँ पे आपको मिल रहा है. एंड इस साइड आप आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका बालकनी. ये आपकी रनिंग बालकनी रहेगी जो आपके ओपन टेरेस के साथ भी कनेक्टेड रहेगी. तो ओपन टेरेस मैं आपको बाद में दिखाती हूँ. एंड यहाँ आ जाएंगे आपके कबर्ड्स विद अ गुड स्पेस. स्लाइडिंग आपको यहाँ पे कबर्ड का डोर मिल रहा है. काफ़ी डबल हाइटेड आपको कबर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ मिल रहे हैं. एंड यहाँ आ जाएगी आपकी एसी की डक्टिंग. एंड फॉल सीलिंग भी आप ऊपर देखें विद एलईडी लाइट्स, कितना ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे लगाया है इन्होंने. लाइक काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे रूम को इन्होंने डेकोरेट किया है. आई मस्ट से ब्यूटीफुल रूम. सो ये तो हमारा फर्स्ट बेडरूम. अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे सेकेंड बेडरूम में, द क्यूटेस्ट रूम. आइए. तो ये है हमारा सेकेंड बेडरूम जो डेकोरेटेड है एज किड्स बेडरूम. लाइक काफ़ी अच्छे से इन्होंने किड्स के बेडरूम को डेकोरेट किया है. मस्त से छोटी छोटी चीज़ें ऐड करी हैं. लाइक यहाँ देखने से पहले आप इधर आइए, ये लैंप देखिए एक बार. गाड़ी की शेप में लैंप है. अब लाइक कितनी छोटी सी चीज़ है बट कितनी ज़्यादा सुंदर चीज़ है, कितनी क्यूट सी है ना. बाकी आप इधर देखेंगे, यहाँ पे दो बेड इन्होंने लगाए हैं सेपरेट करके. आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं कि आप अपने बच्चों का बेडरूम जो है और ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं. एंड इस साइड देखेंगे आप, यहाँ पे एक बहुत छोटा सा टेबल लगा रखा है इन्होंने. एंड यहाँ पे एक मिरर भी लगा रखा है. लाइक काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया है. एंड यहाँ आ जाएगा आपका वॉशरूम. अटैच वॉशरूम इस रूम के साथ भी मिल रहा है आपको. एंड यहाँ आ जाएगा आपका बालकनी के लिए एक्सेस. आपको यहाँ पे एक डोर मिल रहा है जहाँ से आप बालकनी में जा सकते हैं. एंड गाइज ये वही वाली बालकनी जो मैंने आपको ड्राइंग एरिया से दिखाई थी, वही स्पेशियस वाली जहाँ से बहुत सुंदर सा व्यू मिल रहा था, वही वाली. एंड यहाँ आप कर्टन्स भी देख सकते हैं. ये लाइक बच्चों के टेस्ट को मैच करते हुए बहुत ही उसी तरीके के यहाँ पे कर्टन्स भी ऐड करे हैं इन्होंने. लाइक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है पूरे रूम में. एंड इधर आप देखेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे कबर्ड्स जहाँ पे बहुत छोटे छोटे इन्होंने बॉक्सेस बनाए हुए. लाइक देखो यहाँ पे, लुक एट दिस यार, हाउ क्यूट. छोटी छोटी चीजें ऐड करी हैं इन्होंने पूरे रूम में, जिससे कि पता लग जाएगा आपको कि वाओ यार, बिल्कुल किड्स के लिए ही बना हुआ है ये रूम. एंड अब मैं आपको लेके चलती हूँ द बेस्ट पार्ट. तो गाइज आपको यहाँ पे एक ओपन टेरेस मिल रहा है पूरा. लाइक इतना ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है, खुला स्पेस बिल्कुल. आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. लाइक आप इस स्पेस के साथ ना बहुत तरीके से खेल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें. नाउ इट्स टाइम फॉर योर डेकोरेशन एंड योर क्रिएटिविटी कि आप इसको कैसे डेकोरेट करते हैं. एंड यही स्पेस आपका यहाँ, ये जो मैंने आपको फर्स्ट मास्टर बेडरूम दिखाया था उसके साथ भी कनेक्टेड है. तो गाइज अब मैं आपको नीचे का पूरा पोर्शन दिखा चुकी हूँ. ड्राइंग, डाइनिंग, हमारा किचन, दो बेडरूम, यहाँ पे हमारा ओपन टेरेस, मैं आपको सारी चीज़ें दिखा चुकी हूँ. अब हम चलते हैं ऊपर. ऊपर जाने के लिए आपको यहाँ पे एक सीढ़ियाँ दी गई हैं. लाइक आप ये रेलिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं, कितना अच्छे से पार्टीशन इन्होंने ऐड किया है यहाँ पे. एंड गाइज जब आप ऊपर आएंगे ना, आपको बाहर ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है. लाइक पहले आप यहाँ पे ही देखें, इन्होंने इसको काइंड ऑफ पूजा स्पेस के टाइप से डेकोरेट किया है. लाइक अगर आप चाहेंगे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं. प्लस अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपको स्पेस मिल रहा है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल रहा है. आप इसको सिटिंग स्पेस भी बना सकते हो, आप इसको लाइक अपनी लाइब्रेरी टाइप से भी बना सकते हो. बहुत तरीक़ों से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो. एंड यहाँ आ जाएगा आपका थर्ड बेडरूम. टोटली आप देखेंगे इन्होंने इसको बहुत ही वार्म कलर्स यहाँ पे यूज़ करे हैं. जैसे आप पीछे बेडिंग ही देख लीजिए एक बार,
लाइक ब्लैक यहाँ पे ऐड करा है इन्होंने, ऊपर ग्रे ऐड करा है इन्होंने, लाइक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन पूरा बनाया हुआ है। प्लस आप बेड भी देखेंगे यहाँ पे एंड साइड टेबल्स भी इन्होंने ऐड करे हैं, फिर भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच रहा है। एंड अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो इसका साइज़ है आपका 13x11 का, लाइक काफ़ी स्पेशियस ये भी आपको बेडरूम यहाँ पे मिल रहा है। एंड यहाँ पे आ जाएगा इसका अटैच वॉशरूम, जहाँ पे आपको कंप्लीट फिटिंग्स जो है वो जैगवार की मिलने वाली है। एंड वेंटिलेशन के लिए भी आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपका पूरा वॉशरूम बनाया गया है। एंड इस साइड आप देखेंगे यहाँ पे आपको बालकनी मिल रही है, जहाँ से लाइट वेंटिलेशन प्रॉपर आपके रूम में आता रहेगा पूरा दिन। एंड इस साइड आ जाएंगे आपके कबर्ड्स विद गुड स्पेस, एंड इसमें आपको नीचे भी स्पेस मिल रहा है यहाँ पे, लाइक नीचे भी आप अपना सामान स्टोर कर सकते हो यहाँ पे, लाइक काफ़ी स्पेशियस आपको यहाँ पे कबर्ड्स मिल रहे हैं। एंड इस साइड आप आएंगे यहाँ पे आपको मिल जाता है एलईडी का स्पेस, जहाँ पे आप अपना एलईडी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लस ऊपर आ जाएगा आपका एसी की डक्टिंग, एंड ऊपर भी आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं विद एलईडी लाइट्स यहाँ पे मिलने वाली हैं आपको, लाइक काफ़ी अच्छे तरीके से ये भी आपका रूम, लाइक सारे ही रूम आपके काफ़ी स्पेशियस भी हैं यहाँ पे, प्लस बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डेकोरेट भी किए हैं। एंड गाइज अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ द बेस्ट पार्ट ऑफ द हाउस, जो मुझे पर्सनली सबसे अच्छा स्पेस इस घर में लगा है, यहाँ आए आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद आने वाला है। देखो यार आपको यहाँ पे कितना ज्यादा ओपन स्पेस यहाँ पे मिल रहा है, एंड दिस इज योर टेरेस, काफी ज्यादा स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है, लाइक व्यू भी आप यहाँ पूरा इंजॉय कर सकते हैं, आप पीछे देख सकते हैं, लाइक सामने भी घर बने हुए हैं, फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे रह रही हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने भी अपने टेरेस को डेकोरेट किया है, बहुत सारी चीज़ें ऐड करी हैं। आप भी अपने इस टेरेस को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। ऊपर आप देखेंगे ये आपको जो रॉड्स ऊपर लगी हुई हैं ये एज इट इज़ आपको मिलने वाली हैं, यहाँ पे आप शेड बना सकते हो, प्लांटिंग यहाँ पे आप कर सकते हो, आप सिटिंग स्पेस बना सकते हो, आप इसको अपना जिम बना सकते हो, आप ऑफिस इसको बना सकते हो, लाइक बहुत सारी तरीक़ों से आप यूटिलाइज कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप पार्टी के शौकीन हैं, पार्टीज करना आपको अच्छा लगता है, तो आप उस तरीके से भी इसको यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको पेंट्री स्पेस भी दिया गया है, तो अगर आप पार्टीज करते हो तो आप अपना सारा सामान यहाँ पे रख सकते हो। एंड यहाँ पे वॉशिंग के लिए भी आपको स्पेस दिया गया है। एंड एक और चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी यहाँ पे लगी, ये जो आपका फ्लोर है इसके लिए बिल्कुल सेपरेट एंट्री दी गई है, तो अगर आप पार्टी करते हैं यहाँ पे, आप अपना ऑफिस बनाते हैं या आप इसको रेंट आउट भी करते हैं, तो यहाँ से बिल्कुल सेपरेट एंट्री हो जाएगी, आपकी प्राइवेसी में कोई इशू नहीं आएगा, लाइक जो आपके गेस्ट आएंगे या कोई भी आएगा वो डायरेक्ट यहाँ से एंटर कर सकता है, आप यहाँ पे उनको बुला सकते हैं डायरेक्ट।